हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक घंटे में इस बिहारी की जमीन पे मिलूंगा। तुम जल्दी निकलो, मैं भी निकल रहा हूं। हाँ बच्चा मेरे पास ही है। सर सर, ये वरुण की लोकेशन शो कर रही है सर। अशोक एक मिनट रुकना। हाँ बोलो। सर आप जहां है वहां से राइट 5 किलोमीटर आगे जाकर थोड़ा सा लेफ्ट दिखा रहा है, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ सर। हाँ भेजो जल्दी। स्क्रीनशॉट आ गया। अशोक यहाँ से राइट ले। आलोक जी एक काम करते हैं, आप यशोदा जी को यहाँ का लोकेशन भेज दीजिए, वो जब तक वहां पहुंचेगी हम वरुण को देख लेंगे। यशोदा जी आपको लोकेशन भेजिए, आप वहीं पहुंचिए, वहां से कहाँ आना है आपको बाद में बताता हूँ। मनोज भैया लोकेशन भेजी है, इस लोकेशन पर जाना है, चलिए बताती हूँ सीधा। नेटवर्क, हे भगवान अब क्या होगा, ये क्या हो गया। जल्दी चेक। नेटवर्क नहीं है पर लगता है उसी कमरे में। हाँ लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इंतजार करें क्या। नहीं अब और इंतजार नहीं हो रहा। तो डेड एंड आ गया, दो रास्ते हैं लेफ्ट राइट, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं। आलोक जी टाइम क्या हो गया। 2:30 बज गया। 2:30 बज गया। वरुण कृष्णा को 2 से 3 बजे के बीच में जाकर के उन लोगों के हाथों में सौंप देगा। भैया 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 ये रास्ता कहाँ जाता है। ये रास्ता तो शहर की तरफ जाता है। और ये वाला। ये रास्ता बस सुनसान बंजर जमीन पे जाके खत्म हो जाता है। थैंक यू। इसका मतलब है वरुण इसी रास्ते पर गया है, क्योंकि शहर जाकर वो कृष्णा को किसी के हवाले तो करेगा नहीं। आलोक जी एक काम करिए, आप यशोदा जी को फोन करके बताइए कि जैसे ही डेड एंड आए वहां से बाएं मुड़ जाएं। ठीक जी। बोलिए यशोदा जी, आप सीधे आएंगे तो एक डेड एंड आएगा, डेड एंड पे दो रहा है, दो रहा से आप लेफ्ट आ जाइए। जी जी। हेलो जी, अगर हम बाइक से जाएंगे ना तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, हम पीछे से अटैक करते हैं। मैं पहुंच गया। हाँ वहां कुछ प्रॉब्लम थी, जल्दी पहुंच गया। कितना टाइम लगेगा। 3 बजे तक कहा था ना, जल्दी आइए। कृष्णा कृष्णा उठो।
किशोर उठो, मेरे बेटे को किडनैप कर। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा उठो, उठो कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा उठो। लगता है यही डेड एंड है। यहां से लेफ्ट 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 चलिए। तू ऐसा नहीं मारेगा, तू ऐसा नहीं मारेगा। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी कृष्णा, हेलो। हाँ हाँ भाई साहब, आपको लोकेशन भेज दिए जी। कृष्णा हमारे पास है, आप जल्दी आ जाइए, उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। मेडिकल? अरे यार, ये लोकेशन का एरो इसी तरफ था जिस तरफ भाभी गई है। कृष्णा, 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 कृष्णा! कोई आदमी था, बता दिया उसको। मनोज होगा, मनोज कितनी देर में आ रहा है? जल्दी आ रहा है। कृष्णा, 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 कृष्णा! कृष्णा, 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 आके खोल, कृष्णा, 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 ले चलिए मुझे यहां से दूर, यशोदा जी से दूर। उनके पास होने के एहसास से भी तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है अब मुझसे। ले चलिए मुझे, प्लीज ले चलिए। परेशान मत हो अशोक, परेशान मत, हम चलते हैं यहां से। जिसकी बाइक है उसे बाइक भी वापस कर देते हैं और फिर आश्रम से सभी साधुओं के साथ ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इस सिम के साथ साथ ये भी समझ लो कि तुम्हारा अतीत भी खो गया। चलो। और उसका द्वंद्व गिल्ट आप सब लोग उसे दूर ले जाता है। तुम्हें दूर ही रहना होगा अशोक, क्योंकि तुम्हारे परिवार से दूरियां ही
तुम्हें तुम्हारे दुखों से भी दूर रखेंगे। करके खड़ा होगा दरवाजे पर उनका ये नाजायज बेटा कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा तू यशोदा, ये चोट कैसे लगी? थे शायद। कहाँ है वो यशोदा? बड़ी मालकिन, मैडम जी के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि उनके पति कहाँ है। मिले थे अशोक गुप्ता, हाँ क्यों नहीं अम्मा, अब जो तुमको तुम्हारा पोता मिल गया है वही सही लगेगा तुम्हें? बिटिया तो अपनी तुम्हें समझ में नहीं आएगी ए? क्या सबूत है तुम्हारे पास बताओ कि हम लोगों ने किया है? सबूत होता तो तुम्हें हम चप्पल से मारते। हमें पूरा शक है कि तुम अपने पति के साथ मिलकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो। अम्मा, अगर हमें ना हमारे पति अभी मिल जाए ना, अगर हमारी इतनी सी भी बात हो ना उनसे, तो अम्मा उनको पहला फुसला के कैसे भी करके हम उनके साथ अपने घर चले जाए। अम्मा हम यहाँ पर रहकर तुम लोगों का एहसान ना ले, तुम लोगों के ताने ना सुने। अरे हम कुछ इसका अता पता ही नहीं मालूम है, हम भला उसके साथ मिलकर अम्मा कैसे प्लान बना सकते, सोचो तो जरा। चिच्ची आप मत रोइए ना, चलिए यहाँ से। इस कृष्णा का तो काम ही यही है घर में लड़ाई करवाना। अम्मा तुमने अच्छा नहीं किया है, हमेशा हमको तुम गलत समझती हो। कृष्णा तुम ठीक हो ना बेटा? जी बड़ी मालकिन, मैं ठीक हूँ। चलो तुमने बहुत गलत किया मैडम जी के साथ अशोक गुप्ता, तुमने उनको उनकी नजर में गलत बना दिया, तुमने उनको उनके परिवार की नजरों में गलत बना दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा,
मैं उनको उनके परिवार की नजरों में फिर से अच्छा बना दूंगा। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम वापस आ जाओगे, लेकिन मैं गलत था। हम सब गलत थे। तुमको पता है अशोक बचपन से ही बहुत जिद्दी था। एक बार जब मन में कुछ करने की वो ठान लेता था ना, तो उसे पूरा करके ही दम लेता था। अभी भी वो सोच रहा है कि जब तक वो भागता रहेगा घर में सब ठीक रहेगा। अशोक यहाँ हम सबके इतने पास आया तो इसे पता लगा होगा ना कि घर का बंटवारा हो चुका है और इसके बीवी बच्चों को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं। बावजूद इसके इसे यहाँ रहना सही नहीं लगा। तो फिर उसके यहाँ वापस लौटने की राह आसान नहीं होगी कृष्णा। इसलिए कृष्णा तुम्हारी यशोदा मैडम जी, आस्था और नूपुर, इनको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि यशोदा के परिवार के तुम बड़े बेटे हो। तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। जब किसी का बाप बाहर चला जाता है ना, तो घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े बेटे की होती है। और कल को जब तुम्हारा बाप लौट कर आएगा ना, तो हम उससे कहेंगे कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बेटा निकला, तुमसे ज्यादा जिम्मेदार, तुमसे ज्यादा समझदार और हिम्मती। यहाँ पन्ना सब प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा है। यशोदा रानी बिल्कुल एक जगह पर ना टिक्के लटक के बैठ गई है कि हाय हमारा पति हमें छोड़ करके फिर से चला गया। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी जो बिल्कुल एक जगह अड़े हैं कि यशोदा और कृष्णा के कारण हमारा बेटा घर वापस नहीं आया। अरे उन्होंने तो कसम खा ली है कि कुछ भी करना पड़े हम अपने लड़के को घर वापस लौटाल करके ही मानेंगे। अशोक वापस नहीं आएगा, तुम परेशान ना हो। हैं? लेकिन कामिनी, अरे कुछ हमारे बारे में भी तो सोचो यार, आखिर हम कब तक ऐसे यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? अरे हमको अच्छा लग रहा है क्या कि तुम इस तरीके से बाहर भटक रहे हो? हमें भी तो बहुत दुख हो रहा है, कितने दिन से तुमसे दूर है। हमको नहीं मालूम तुमको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमको दुख हो रहा है अपने लिए। कितने महीने हो गए हमको बाहर भटकते भटकते, न खाने का पता है न पीने का पता। हम किसी तरह अपना काम चला रहे हैं, बस ये जान लो। कई बार तो इतनी गर्मी लगती है ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। हम यहाँ रूखा सूखा खा रहे हैं और तुम वहाँ एसी में बैठी हुई आराम से पनीर चबा रही हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? फालतू की बात कर रहे हैं वहाँ बैठ करके कि हम वहाँ बैठ के पनीर चबा रहे हैं। सुनो, पनीर नहीं खा रहे हैं बल्कि यहाँ पर रह करके ना तुम्हारे बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सारी प्लानिंग कर रहे हैं, समझे? अब देखो इतने दिन तुमने वेट किया है, कुछ दिन और कर लो। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, बिल्कुल वेट करेंगे। अब तुम सुनो, अब तुम्हारे पति जब मर मर आ जाएंगे ना, तब तुम वेट करना अपने पति के घर आने का। हाँ। अरे तुम ये मरने की बात क्यों बार बार करते रहते हो? है? मरना इतना आसान होता ना तो फिर फोन रखो। तुम रखो फोन। क्या हुआ यशोदा? मैंने अभी जब अशोक जी को देखा था ना, वो नॉर्मल कपड़ों में शर्ट पैंट पहने हुए थे। क्या? और
उनके साथ जो थे उन्होंने इस साधु के कपड़े पहने थे। इसका मतलब है अम्मा अशोक जी अभी तक साधु नहीं बने हैं। इसका मतलब है वो अभी तक हमारे घर परिवार के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है कि वो अभी तक हमारी चिंता करते होंगे। मतलब वो साधु नहीं बने होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो यशोदा। अरे हम तो पहले से ही जानते थे, विश्वास था हमें। अशोक हमारा बेटा है, इस घर का बेटा है, उसके बीवी बच्चे हैं, और भला इतने सारे रिश्ते नाते और जिम्मेदारियों को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। वो कहीं नहीं जाएगा, कभी सन्यासी बन ही नहीं सकता हमारा अशोक। तुम देखना थोड़ा जिद्दी है ना अशोक, तो जिद में भटक रहा है। जिस दिन उसको एहसास होगा यशोदा, वो फौरन घर लौट आएगा बेटा। और अम्मा अगर अगर वो एक बार वापस आए हैं तो मतलब और इसकी औकात तो है नहीं खरीद के देने की। हाँ अगर बीन बटोर कर माला बना सकता है तो बना ले। बाबूजी जाओ, तुम अंदर जाओ। क्यों परेशान कर रहे हैं इसे आप? मुझे परेशान नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे बड़ी मालकिन? अपने घर का मैं ही तो जिम्मेदार लड़का हूँ। और मैडम जी, ये चाहे मुझे जितना परेशान कर ले, लेकिन आपको बड़ी बेबी अनुपुर को परेशान नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाषण हो गया तुम्हारा, अब चुपचाप ये मोती उठाओ, इन्हें बीनो और माला बनाओ, समझे? हम भी देखते हैं कि तुम बीन कर माला बनाते हो या बीच रास्ते में छोड़ देते हो, जैसे तुम्हारा बाप सब जगह से छोड़ करके चला गया। कामिनी, बताओ ना कर्मा, सब हमारे कर्मों का फल है। कामिनी हमने तुमको मारा, बेटा तुम्हारी बेइज्जती, भगवान ने उसी का फल दिया है हमको। और इसके बाद हम तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे घर वाले भी आए हैं? सब मम्मा बाबूजी सब आए हैं। इतने अच्छे तुम्हारे घर वाले, जबकि हमने इतनी बार इन लोगों की बेइज्जती की,
लेकिन देखो जैसे इनको पता चला कि हम अस्पताल में है, सब लोग बेचारे थोड़े थोड़े चले आए। आप लोग चले जाइए यहाँ से, हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम इस लायक नहीं आए। दामाद जी शांत हो जाइए, आप आराम करिए। देखिए आपने जो किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाइए बस। अम्मा हम यहीं रहेंगे इनके पास। ठीक है चलिए। फोन पर तो मरने की बात कर रहे थे। अम्मा अम्मा वो डॉक्टर दत्ता अम्मा बाबूजी क्या बताएं, कृष्णा ने ना आप लोगों से झूठ बोला है। लेकिन इनको यहाँ पर देखकर तो यही लग रहा कि कृष्णा ने सच बोला था, वरना इतनी दुख तकलीफ में ये हमें छोड़कर भाग थोड़ा रहे होते। दामाद जी आपसे कहा था ना कि पुरानी बातों पर हम बाद में बात कर लेंगे, आप हैं कि आराम करने के बजाय यहाँ से ऐसे भाग रहे हैं। अच्छा हुआ कृष्णा ने आपको बोलते हुए सुन लिया कि आपने जो किया है उसके लिए आपको गिल्ट है, पछतावा है। कृष्णा ने दही जमा ली है क्या मुंह में? बंसल सर जी उसके आगे भी कुछ बोलना होता है ना। वो मैंने बंसल सर जी को कहते हुए सुना कि उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो बहुत गिल्टी हैं और वो आप सबका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल से ही भाग जाएंगे। और इसीलिए आप अपनी ससुराल लौट कर नहीं आना चाहते? हाँ। इसीलिए भाग रहे? हाँ, हाँ। चलिए घर चलिए। नहीं 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 सुनो भैया, घर जाने से पहले ना इनको सब लोगों से माफी मांगनी होगी और सबके सामने ये प्रॉमिस करना होगा कि अब आगे से हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ 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 हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, आज के बाद हम तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, हमें माफ कर दो। अरे संभल के जी जी संभल के आराम से। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए, हमने आप लोगों को बहुत भला बुरा कहा, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा बाबूजी, आप सब लोग माफ कर दीजिए। चलिए चलिए सब घर चलिए चलिए। दूसरों के हिसाब से अगर खुद को बदल देंगे तो हमारी पहचान क्या बचेगी कृष्णा? कोई हमारे साथ बुरा करे तो क्या हम भी उसके साथ बुरा करें और बुरे बन जाए? ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आती है मैडम जी, लेकिन जब मैं सच बोलने जा रहा था तो मुझे आपकी सिर्फ एक ही बात याद आई, किसी का भी घर चाहे जैसे भी जुड़ा रहे बस जुड़ा रहना चाहिए। और मैं समझ गया ये आपकी तकलीफ बोल रही थी और मैं आपकी तकलीफ को इग्नोर करके बंसल सर जी की सच्चाई बताता, ये ठीक नहीं था, बस इसलिए मैंने बात बदल दी, वरना मुझे बंसल सर जी और मेन साहब से कोई हमदर्दी नहीं है। आज तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया कृष्णा। वैसे तो जीजी और जीजा जी को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ।